झरने बहराए जा रहे हैं, वहां लोग बाहर निकलकर सड़कों पर जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये जो पीले झंडे देख रहे हैं ये हिजबुल्ला का झंडा है, तो इस वक्त जो जश्न मना रहे हैं वो साथ में हिजबुल्ला की सपोर्ट भी दिखा रहे हैं। और ईरान जो है उसने अपने को इस क्षेत्र में एक बार फिर एक लीडरशिप जो उसका रोल जो है उसने कायम किया है। ईरान ने दिखाया है कि तमाम अरब स्टेट्स या पूरे पश्चिम एशिया जो हैं इन सब में उसने जो है वो इसराइल के खिलाफ लड़ने की तैयारी की है, वो लड़ने में लड़ाई में आ गया है। अगर हम ये जानना चाहें कि ईरान कितनी मजबूती से इस पूरे युद्ध में यहाँ पर खड़ा है, क्योंकि अमेरिका का साथ इसराइल को है, तमाम पश्चिमी देश उसके साथ आ जाएंगे, कुछ अरब देश भी इसराइल के साथ है, ईरान कितना मजबूत है इस पूरे युद्ध में, क्योंकि बहुत सोच समझ कर उसने हर कदम यहाँ पर उठाया है। देखिए जो खबर इस तरह की आ रही है कि जो इसराइल जो है वो आज रात अगर हमला करता है तो इसके जो असर होंगे, असरात जो होंगे वो पूरी दुनिया पे होंगे। इसका मतलब जो है युद्ध बढ़ेगा और इसमें फिर जो बाकी अरब देश जो हैं, आसान शब्दों में दर्शकों के लिए बता दीजिए, जब वो कह रहे हैं कि बड़ा हमला होगा, आज ही रात होगा और हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल अगर तैयार कर दी गई है, इसका दायरा कितना बड़ा होगा और कितना नुकसान? देखिए जो उसकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसराइल के पास वो उसकी एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाती है, खासकर F-15 से, उसका नाम है ब्लू एरो मिसाइल। हाँ। और वो मुमकिन है कि वो इराक या फिर जॉर्डन करम जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, क्योंकि दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत अहम है।